सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक जेसवेन प्राइम है, अगर उसमें लग गया है FRP, तो आप उसको जो है कैसे अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी PC, बिना किसी आप लोग को तार वगैरह। यहाँ पे आप हमारा जो है मॉडल नंबर देख सकते हैं, G610F जो है इसका मॉडल नंबर है और इसमें जो है FRP लग गया है। एक बार मैं यहाँ पर आप लोग को इन्हें आगे ले जाकर दिखलाता हूँ कि इसमें वाकई जो है FRP लग गया है, जिससे आप लोग को यहाँ पर आसानी से पता चल जाए कि हाँ, इसमें जो है FRP लगा हुआ है और आप इसका जो है यहाँ पे अनलॉक करने वाले आज इसका FRP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, और जैसे यहाँ पे आगे बढ़ता है, यहाँ पे जो है हमसे पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड हमको याद नहीं है। और यहाँ पे हमको जो है गूगल अकाउंट का भी ऑप्शन देता है कि आप उससे जो है इसको इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारा जो पहला अकाउंट है वही यहाँ पर मांग रहा है और इसी को हमको बाईपास करना है। इसके लिए आपको एक आवश्यकता पड़ेगी एक सिम का, और उस सिम में आप लोग को जो है सिम लॉक लगा के रखना है। चाहे आप किसी भी मोबाइल से भी ऐप लगा लीजिए, और उसके बाद आपको जो है इसमें इंसर्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है आप लोग को सिम लॉक डालने के लिए देगा। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन को जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाएं वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं। सिम में लॉक लगाने के बाद आप लोग को G7 में उसको इंसर्ट करना है, और उसके बाद आप लोग को फिर से उसको निकालना है। और जैसे ही आप निकालिए, उसके बाद आपको जो है पावर बटन को इंस्टेंट आपको जो है दबा देना है। इससे आपका जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद अपने सिम को जो है निकाल कर रख देना है। यहाँ पर देखिए, हमारा ब्लूटूथ आ गया है, और इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक ब्लूटूथ हेडसेट का। तो आप यहाँ पर कोई सा भी ब्लूटूथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको गूगल असिस्टेंट का आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर बटन टिपे, तो यहाँ पर जो है गूगल असिस्टेंट वो चालू हो जाए। मेरे पास ये प्रो बॉल्ट है, जो बॉल्ट की तरफ से आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है ब्लूटूथ है, और इसका साउंड जो है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसको जो मैंने OnePlus Z से कंपेयर किया था, इसका साउंड जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लेना है, तो मैं आप लोग को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको जो है बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस 1000 रुपया तक आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और इसमें दोस्तों एक यहाँ पर आप देख रहे इमेज, इससे जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा, तो यहाँ पे जो है गूगल अकाउंट मतलब गूगल का जो असिस्टेंट है वो चालू हो जाएगा। तो उसको आपको जो है बीच वाला पावर बटन दबा के रखना है, मोबाइल का नहीं दोस्तों, मैं ब्लूटूथ का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है आप लोग के सामने गूगल असिस्टेंट यहाँ पे जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, इस माइक वाला पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग को बोलना है ओपन सेटिंग। तो यहाँ पे मैं एक बार से इसको जो है इनेबल करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बोलता हूँ ओपन सेटिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे बोला ओपन सेटिंग, और देख लीजिए यहाँ पे ये जो है ओपन सेटिंग मेरा जो है यहाँ पे खोल के दे दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ओपन सेटिंग बोला मैंने, लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम का सेटिंग आया है वो यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग को सिस्टम का सेटिंग देखना है, ना कि ये सब सेटिंग। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से जो है आप लोगों के सामने खुद से लिखता हूँ सेटिंग, जिससे हमारा जो है सिस्टम का सेटिंग आ जाए। तो यहाँ पर चलिए, मैं यहाँ पर सेटिंग लिखता हूँ। वो यार यहाँ पर जो है गलती हो गया, फिर से मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करके और यहाँ पर सेटिंग लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमारा जो सिस्टम का सेटिंग है वो यहाँ पर आ गया है। अब इसमें दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इसमें आप लोग को नीचे जाना है। नीचे आप जाइएगा, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है, और उसके नीचे आप लोग को सबसे नीचे जाना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग में। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे चलना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जाइएगा, एक पिन विंडो करके होगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, और उसको जो है ऑन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, आप लोग को उसी पर एक बार और से टैप करना है। तो यहाँ पे मैं उस पर टैप करता हूँ, और नीचे में जो है ये स्क्रीन लॉक कर दे रहा है, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, और कोई सा भी आप लोग को पासवर्ड यहाँ पे चूज कर लेना है, चाहे वो पैटर्न हो चाहे कुछ भी हो, जो यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है, और डू नॉट रिक्वायर पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को जो है कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको जो कर दिया है, और उसके बाद आपको जो भी मर्जी, जो भी यहाँ पर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको जो है लगा देना है। तो चलिए, मैं एक यहाँ पर सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, ये जो है आपको रीडायरेक्ट करेगा उसी पेज पे, और उसके बाद आपका जो भी सारा काम है वो यहाँ पे हो गया है।
है। अब आपको सिंपली अपने फ़ोन को कुछ नहीं करना, आपको इसको जो है रिबूट या फिर रीस्टार्ट कर देना है और उसके बाद जो भी होगा वो आप आसानी से कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। उसके बाद आपको अपना फ़ोन को जो है सेटअप करना है फ़ोन को ऑन होने के बाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आसानी से सभी चीज़ समझ में आ जाए। सो दोस्तों अभी तक आपका फ़ोन भी ऐसे ही अनलॉक हो गया होगा और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपका फ़ोन जो है FRP से अनलॉक कर दिया है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।